और इस बीच वॉर जोन से जुड़े एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के जंगी जहाज में जबरदस्त धमाका हुआ है। ओडेसा के पास रूस के जंगी जहाज में धमाका, यूक्रेन की तरफ से हमले की जताई जा रही है आशंका। धमाके लेकर आपको बता दें, कोई आधिकारिक बयान धमाके को लेकर अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन एक बात तो साफ है कि लगातार रूस के जंगी जहाज में जिस तरीके से अटैक्स किए जा रहे हैं, यूक्रेन हर हालत में रशिया की सेना को कमजोर करना चाहता है। ओडेसा के पास रूस के जंगी जहाज में यह धमाका हुआ है क्योंकि मारियोपोल जो पोर्ट सिटी है उसे लैंडलॉक करने की कोशिश रशिया की ओर से की जा रही है। ऐसे में जो पहला टारगेट होगा रूस का वो ओडेसा होगा। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ओडेसा के पास ये रूस का जंगी जहाज है जहां पर यूक्रेन ने अटैक किया और टारगेटेड ये अटैक था। लगातार रूस की ओर से कोशिश ये की जा रही है कि ओडेसा जो कि पोर्ट सिटी है उस पर पहले टारगेट किया जाए और उसके बाद रास्ता बनाते हुए पूरे मारियोपोल पर कब्जा कर लिया जाए और उसके बाद डोहांस का जो इलाका है और लुहांस का इलाका, डोनेस का इलाका सीधे तौर पर एक पैसेज बनाने की, पैसेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है क्रिमिया और मारियोपोल के बीच में, जिससे कि रूस अपना वर्चस्व कायम कर सके और सिटी को लैंडलॉक करने के बाद यूक्रेन को पंगु बना सके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।